नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूँ राजस्थान फार्मिंग में। आज मैं काफी लंबे समय से वीडियो भी नहीं बनाया, मैंने ना बनाने का कारण था कि मैं खेतों की तैयारी में लगा हुआ था, जैसे कि खेत में काली मिट्टी डालना, खेतों की अकाई वगैरह, खेतों की मेड़ वगैरह बनाने में लगा हुआ था, खेतों को हमें लेवल करने में लगा हुआ था, इसलिए मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं जो ग्रैपिट बांगे मैंगन है उसकी मैं फार्मिंग करूंगा या खेती करने वाला हूँ, तो वो कैसे क्या करना होगा उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, और कैसे वो पैकिंग आई है मेरे पास में इसके बारे में बात करने वाले। तो आपके सामने डिब्बे नजर आ रहे होंगे जिनके अंदर वही बीज है जो मैंने मंगाया है, ग्रैफिट बैंगन का बीज है। अभी ग्रैफिट कराने का कारण क्या था ये सब कुछ भी मैं आप बताऊंगा, और सबसे बड़ी चीज किसान भाइयों कि मैं वही चीज के बारे में बात करूंगा जो मैंने पहले की है और उस पर मेरे को विश्वास हुआ है, वही किसान भाइयों आप सभी को मैं बताने वाला हूँ या उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो बात करते हैं अपन कि जो मेरा ये एरिया था, आप दिखा सकते हो कि ये जो एरिया था कि इस एरिया में मैं वो ग्रैफिट बैंगन के बीज लगाने वाला हूँ। तो दिक्कत ये हुई कि जो आपको जो नजर आ रहा होगा कि आप इसमें खेत में काफी ज्यादा खरपतवार हो गया, चारा हो गया, तो ये होने का कारण यही था सबसे बड़ा कि सही टाइम पे मैंने मतलब कि बीज आना था मेरे को पिछली 20 तारीख को ही, और वे 20 दिन ज्यादा लग गए बीज तैयार होके वहां से आने में, इसीलिए मैंने पहले ही खेत को तैयार कर लिया था, और बाकी ये बारिश के टाइम में ये दिक्कत हो गई, तो इसका कोई बड़ा नहीं, इसमें लेबर लग के ये चारा निकल जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि बीज की पैकिंग कैसे आई है, बीज कैसे आया। तो पास में ही ये मैंने बीज है ये छत्तीसगढ़ से मंगवाया है रायपुर, और इसकी कॉस्ट भी मेरे को पड़ी है, और जो बीज है वो मैंने खुद ने इसको उनको दिया है, और वो उन्होंने इसको ग्रैफिट किया है और फिर मेरे को वापिस दिया है। तो आपको इसकी पैकिंग के बारे में दिखा दूंगा, इस तरीके से पैकिंग हो गया था, और मैंने ये 4,500 पौधे मंगाए, ये देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से इसकी पैकिंग वाली क्या है, और पूरा बीज बिल्कुल ट्रे के अंदर सेफ्टी से रख के आता है, ये देखिए। अब आपको मैं दिखा दूं कि एक पौधे में कितने अच्छे तरीके से देखिए, और इसका जो ग्रैफिट किया हुआ है ये भी मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसमें कितने ज्यादा व्हाइट रूट है, कितनी ज्यादा जड़े हैं, और कितना अच्छा पौधा अपने को भेजा है। तो इसके साथ में आपको मैं दिखाऊँ कि देखो यहाँ पे उन्होंने ग्रैफिट किया है, तो ये जो पौधा था, ये जो बीज नीचे का बीज था, ये मैंने पहले ही उनको पहुंचा दिया था सूखा बीज, उन्होंने पौधे बनाए, फिर पौधे बना के इनके ऊपर ग्रैफिट कर दिया है पौधे को, जो ये पौधा है उनके हिसाब से पौधा लिया है। अब ग्रैफिट करने का क्या कारण है कि ग्रैफिट मैंने इसलिए करवाया कि काफी मैंने एक दो जगह देखा था कि वहाँ पे इसकी जो माल जो इसकी प्रोडक्शन ताकत है वो बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन शक्ति बहुत अच्छी है इसकी, जो अदरवाइज अपन नॉर्मल तरीके से जो बैंगन करते हैं उससे इसमें 40% के करीबन ज्यादा माल देने की क्षमता बढ़ जाती है, पौधे का ज्यादा आकार हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि पौधे का जितना आकार बढ़ता जाएगा उतना ही फल देने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज, बैंगन की खेती ऐसी है कि इसको अपन 12 महीना 1.5 साल तक रेगुलरली चला सकते हैं, इसकी समय समय पर कटिंग करते हुए भी। तो आपको इस तरीके से पैकेजिंग होकर मैंने बीज मंगवाया, बाकी इससे ग्रैफिट बैंगन के मैं आपको उधर भी जानकारी दूंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं एक वीडियो में या इसमें बनाने की कोशिश करूंगा तो, बाकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसके सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे, हर 10 दिन पे एक वीडियो डलने वाला है बैंगन का। इसी के साथ में अब इसको ट्रांसप्लांट भी, जो मैंने मिर्ची का दिया था उसी तरीके से सेम ट्रांसप्लांट का मेथड है, कोई ज़्यादा मेथड नहीं है, पौधे को निकाला, खड्डा किया, उसमें डाल दिया। अब इस तरीके से धीरे धीरे पौधा कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, इन सबकी मैं जानकारी देने वाला हूँ। और जो किसान भाई पहले ही ग्रैफिट बैंगन की खेती करते हैं तो उनसे निवेदन है कि मेरे को इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दें, क्योंकि मैं इसमें नया हूँ, तो आप सभी इसमें मेरे को सहयोग भी करें, और जो मैं कुछ करता हूँ वो मैं आपको वीडियो बना के डालने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप उसकी जानकारी ले सको। और बात करते हैं अगले वीडियो में, अभी मैं बीज को ट्रांसप्लांट दे रहा हूँ, मैंने आपको मैं इसके बारे में जानकारी मैंने दे दी है। अब मैं इसकी आगे जो एक्सप्रे होगा अदरवाइज जो भी जानकारी होगी इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।